ਓਏ ਓਏ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਸੜਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਓਏ ਗੱਡੀ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੱਡੀ 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 ਪੈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਭਜੋ ਮਾਮੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐ ਤੇਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ 65 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ 60 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ 61 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ 61 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਤਾਤੇ ਹਾਂ ਜਬ ਇਹ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਮੈਨੂੰ ਡੈਂਕੀ ਲਗਈ ਐਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੇਂ ਤੋ ਕਿਆ ਬੇਵਤਾ ਜੀ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਥੇ ਅੱਛਾ तो बहुत डर भी लगता था। अच्छा तो गहरा जंगल था। ओए होए रास्ते किधर किधर बने हुए थे, कहीं नहीं बने हुए थे। अच्छा तो कंडे थे बहुत। अच्छा जी रात के वक्त चलना होता था। अच्छा बहुत मुश्किल से चलते थे। ओए होए दिन को भी जंगल में चलते थे, रात को भी चलते थे। ओए होए कंडे बहुत गहरा जंगल था तो डर भी लगता था। अच्छा जब रात आ जाती थी तो वहाँ खेमा ले गए उसे। अच्छा खेमा लगाते थे जंगल में। अच्छा सो जाते थे, कोई पता ही नहीं कौन आएगा मार देगा। अच्छा तो अंदर नींद भी नहीं आती थी। अच्छा तो डर लगा रहता था। नाजरीन ये ऐसा बंदा है, ये खुद डैंकी लगा के है और ये पाकिस्तान में इटली पाकिस्तान से इटली सिर्फ 1 लाख रुपए में आ गया। क्यों जी फैसला वैसे ही? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यूनान से इटली ये फ्री आए हैं और 1 लाख रुपए इन्होंने दिया था पाकिस्तान से तुर्की आने का और तुर्की से यूनान भी ये खुद ही गए हैं। हमने खुद डेंकी लगाई है, मोबाइल की लोकेशन पे खुद गए। अच्छा जी तो फैसा लोकेशन पे आना आसान होता है या मुश्किल है? आसान होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता। अच्छा लेकिन जो नेट जो होता है मैप वो बंदा जो है ना चला ले। अच्छा समझो उसको चलाने की सही तरह से रास्ता तलाश कर ले। अच्छा तो एहतियात करे कोई आगे पीछे जो बंदा है कोई देख ना ले। अच्छा तो इस तरह का सीन होना चाहिए होता है। अच्छा तो आज आपको दोबारा याद ताज़ा हो गई है जी? हाँ बिल्कुल वही याद जो हम आए थे यूनान से। अच्छा यूनान ग्रीस से आए थे हम इटली में। अच्छा तो वही नज़ारा। आसफ भाई आसफ भाई आप बताएं कि आपकी याद ताज़ा हुई है कि नहीं? जी मेरी भी याद ताज़ा हुई। अच्छा मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं जब आज आप इस रास्ते पे चल रहे हैं? लेकिन नाजरीन आज फिर हमने आपको बता दिया सारा डेंगी का निज़ाम कि कैसे डेंगी लगती है और कैसे जो है ना वो सारा सिस्टम निज़ाम होता है। यूरोप अपड़ना कोई सौखा नहीं। आज हम काम तलाश कर रहे थे और यकीन करें ये वाला चश्मों का पानी बहता है जो हम पीते हैं और सारे रास्ते में जब 15-20 दिन डेंगी में होना पड़ता है तो ये वाला पानी पीते हैं। क्यों आसा भाई ऐसी बात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आपको डेंगी का दोबारा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि जिस तरह हम क्रोशिया स्लोवेनिया और इटली में पहुँचे हैं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, ये फैज़ अहमद हैं जी और वो मेरे एक और भाई हैं, उनका नाम है मोहम्मद आसफ अली चौधरी भट्ट साहब। तो भट्ट साहब अपना मैप चलाओ ना तो देखो लोकेशन कहे पास नज़दीक जानी है। यह भी रास्ता जाना पे ना इधर भी। तो अभी जनाब हम आपको लाइव जो है ना वो डेंगी की प्रैक्टिस करके बताते हैं कि यकीन करें यहाँ पे अभी हम काम तलाश करने के लिए आए थे और यहाँ पे आके हमारी डेंगी वाली जो दोबारा हमारा डेंगी वाला कीड़ा है ना वो जाग गया। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक व्लॉग तो दोस्तों के लिए होना चाहिए। तो चलें जी लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। लाइन में जाना होता है, एक बंदा आगे होता है जिसने रास्ता बनाना होता है और ऐसे करके जो है ना वो सिस्टम निज़ाम कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी हम आखिरकार रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। तो जी अगे ये आगे रास्ता आ गया, आखिरकार हम कामयाब हो गए जी। ये भी कच्चा पे है तो यहाँ पे जो लोग लकड़ियाँ काट के लेके जाते हैं ये वो लकड़ियों वाला सीन है सारा। तो इन्हीं रास्तों के ऊपर हमें चलना होता है लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो लगाया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैरा होता है। ये देखें ये कच्चा पया आ गया जी। नाजरीन ये कच्चा पया आखिरकार हमने तलाश कर ली है, इसके ऊपर जो है वो महकमा जंगलात वाले लकड़ियाँ काट के लेके जाते हैं और डेंकी में ये हमारे काम देते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम मसलसल सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसके ऊपर मसलसल चलेंगे तो पुलिस की गाड़ी किसी वक्त भी यहाँ पे आ सकती है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो पकड़े जाते हैं हम और पाँव के निशान देखते हैं। तो इसके साथ साथ ये जंगलात के अंदर चलना पड़ता है हमें और यहाँ जो है वो हम इधर इस तरफ चलेंगे, इस पैर के ऊपर हम कभी नहीं चलते क्योंकि पुलिस आ जाती है। तो अभी जो है वो हम सड़क बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी आ जाएगी और उसके अंदर बैठ के जो है वो हम अपने अगले मरहले तक जाएंगे।
ध्यान ना ठरो ध्यान नाल अगे गड्डी दी आवाज आउंदी वी है नेरी नाल डिग पिया है जानवर भी होले बाहर ले ओहो बाहर ले यहां पे है सब तुसी अपनी दसो ना जिस तुसी क्रोशिया च डैंक कोई बात सुनाए ना कि आपने जो डैंकी में देखी और आज आपको वो याद आ गई हो दुनिया के भाई हर काम हो जाते हैं बस हिम्मत करनी पड़ती है नहीं आप बताएं ना कैमरा पिछला है मतलब आप बताएं ना कि कोई वाकया आपके साथ जंगल में मतलब को आपको भूला ना हो अभी तक भाई सबसे पहले बात ये है कि जब इंसान हिम्मत कर लेना अच्छा उसके आगे कुछ भी नहीं अच्छा हिम्मत करने से अजर भी मिलता है सही अल्लाह पाक उसका जो जिस राह से वो गुजरना होता है वो आसान कर देता है रास्ते आसान हो जाते हैं सही है अच्छा मुश्किलात भी आती है लेकिन उस मुश्किलात का फ़ायदा तुम लोगों ने वब उठाना है जब तुम लोगों को पता है कि हमें अगली ज़िंदगी संवारनी है अच्छा फ्यूचर बेहतर करना है फ्यूचर बेहतर करना है अच्छा जी भाट साहब मतलब आप कितनी दफ़ा आपने गेम लगाई है तो आप पहुंचने में कामयाब हो गए थे इटली में भाई पहली गेम लगाई है अच्छा तो अल्लाह पाक ने हमारा सफ़र आसान कर दिया था अच्छा और हम खैर खरियत से पहुंच गए थे इटली में कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक ना भुला हो डेंकी में हाँ वाकया बहुत हुए हैं जब हम पीछे से आए यूनान की डंकियाँ लगाई हैं अच्छा नहीं जब आप अच्छा सही हो गया यूनान की डंकियाँ लगाई हैं अच्छा फिर मारे भी खाई हैं बहुत ज़्यादा अच्छा इनके दिलों में रहम नहीं है ओए हो लेकिन ये है कि जब तुम लोगों ने एक चीज़ सोच ली है अच्छा। कि जाना है तो जाना फिर आगे जितनी मर्जी मुश्किल हो इंसान वो सफ़र तय कर ही लेता है अच्छा हमने भी वही सफ़र तय किया हाँ लेकिन हम तो भाई यही कहेंगे आने वाले लोगों को अच्छा अगर तुम लोगों की हिम्मत साथ देती है अच्छा तुम लोगों का घर का सिस्टम साथ देता है तो तुम लोग इस रास्ते में निकल सकते हो नहीं तो कभी मत निकलना भाई अच्छा मतलब खतरनाक है हाँ जी बारिश होनी थी शुरू हूँ अपड़ जा नाजरीन इस तरह के जो है ना वो यहाँ पे नहीं ये सूरां वास्ते ना पट्ठे गड्ढे नहीं थरनी और नहीं होंगे शिकार करते हैं ना तो नहीं यहाँ पे बोसनिया के जो जंगलात हैं उनमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लोगों ने शिकार करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बोया होता है और वो सामने देखें आप फंदा लगा हुआ है वहाँ पे ये वाला जो है मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे वो दाने डाल देते हैं और जानवर आते हैं तो उनको पकड़ते हैं फिर चलो चलो पुलिस ना देख ले नाजरीन उन्होंने सरसों बीजी हुई है और सरसों के साथ जो है वो सिस्टम निज़ाम होगा और अभी इधर से हम गुजरेंगे ये अभी गाड़ियाँ गुजर रही हैं रोड़ा आ गया हम अपना रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए हैं और अभी ये देखे ये नीचे नाला है बड़ा गहरा इसके अंदर पानी चल रहा है हैं नहीं धोने की ये देखे नाजरीन ये नाला है नीचे वह इतों भी नहीं लै जी तो बट जी इतों लै के भी नहीं पार हो जाना पाना चलो ये जनाब ये कोई घर है इधर से हमने गुजरना है ये अभी हम देखें वो रास्ता किधर है ये रैश है किसी बंदे की ये सड़क है जी इसके ऊपर
जी नाजरीन ये देखें अभी पहाड़ है और बारिश फुल है, तो यहाँ से हम गुजर के जाएंगे जी। ये नाला है क्रॉस करना, इसके ऊपर ऊपर चल के जाना। बट जी अगे हो लंघो तुम जरा राह वाहवा लभ लेंगे फैस। चल यानी अभी हम नाला क्रॉस करने लगे। ये ऐसे नाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं रास्ते में। वो मेरे हल तो ज़रा गलत चले गए, अभी ये मैं भी जा रहा हूँ और अल्लाह ना करे कहीं गिरूँ, अगर गिरा तो बहुत बुरा हो जाना। ये देखें मैं सही आ गया हूँ, उनको रास्ता नहीं मिला जाने का और वो वहाँ पे ही हैं अभी। अभी गिरने लगा था लेकिन जी आखिरकार निकल आया हूँ और ये मैं चढ़ गया। अभी ये मेरे दोस्त आएंगे। बट सब डिग पे ओए लेकिन नाजरीन आज फिर हमने आपको बता दिया सारा डेंगू का निज़ाम कि कैसे डेंगू लगती है और कैसे जो है ना वो सारा सिस्टम निज़ाम होता है। यूरोप अपड़ना कोई सौखा नहीं। आज हम काम तलाश कर रहे थे और यकीन करें ये वाला चश्मों का पानी बहता है जो हम पीते हैं और सारे रास्ते में जब 15-20 दिन डेंगू में होना पड़ता है तो ये वाला पानी पीते हैं। क्यों आसा भाई ऐसी बात है जी। नाजरीन तो फाइनल जो है वो हम सड़क ढूंढने में कामयाब हो गए हैं, दोनों शिकरे मेरे साथ आ रहे हैं। तो यकीन करें यही निज़ाम है और ऐसे ही जो है ना वो बोस्निया में और क्रोशिया में हम ढूंढते हैं रास्ते, खुद ही जंगलात में रास्ते बनाना पड़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, लेकिन हमने मंजिल की रास्ता खुद बनाया ढूंढा है, जंगलात में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जो बंदा भी ऐसे आया यूरोप में आपने ज़रूर हमें बताना है। आज का ब्लॉग था जी, तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने मैं प्यार दिया और हमारी वीडियोस को देखा। अभी हम घर जाएंगे और बारिश शायद आपको नज़र आ रही है कि नहीं। देखें मेरा कोट भीग गया सारा, आसो भाई का भीग गया और फैज भाई जो है फयाज इनका नाम है फयाज अहमद, ये सरगोधा से हैं। फयाज भाई आप सरगोधा से हैं ना? ये सरगोधे से हैं और माल्टे वगैरह जो इनका अपना बाग है तो ये कहते हैं आप सब उसमें खाद बड़ी महंगी हो गई थी, हम बाग छोड़ दिया तो इसलिए यूरोप आ गए हैं। तो अभी जनाब सामने रोड आ गया, यहाँ से लिफ्ट तो किसी ने देनी नहीं, पैदल ही जाना। चिल मस्ती थी आज, काम हमने ढूंढा है इंशाल्लाह जल्दी हम आपको सरप्राइज देंगे। अभी अभी जो है ना जी नाजरीन काम जो है, अच्छा जी काम तो मिल गया, एक मिनट काम तो मिल गया, अभी डिसाइड जो है ना फैज एक मिनट तक लो फैज एक मिनट काम मिल गया जी। मालिक कहता है एक बंदे को जुबान आती है, मुझे जुबान आती है, ये दोनों भाइयों को जुबान कोई नहीं आती। वो कहता है जी आप दोनों कंफर्म कर लें कि काम पे कौन आएगा। ये बट साहब हमारे ये कहते हैं कि आफा जी मैं थोड़े काम से जाना है, फयाज भाई कहते हैं आफा जी मैं थोड़े काम से जाना है। आपने कमेंट में बताना है दोनों भाइयों को देख लें कि किस बंदे को मैं काम पे अपने साथ लेके जाऊं, फैज भाई को या भाई को। जो है वो आसफ भाई को भाई आपने कमेंट में जरूर बताना है कि या मैं रहने दूं तो इन दोनों को काम पे भेज दूं, आपने कमेंट में जरूर बताना है। आखिरकार सड़क ढूंढने में हम कामयाब हो गए हैं, ये सड़क है। ओए रौला ना पाओ, सड़क आ गई है ते गड्डी ओए एक मिनट गड्डी है गड्डी 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 पैं जो गड्डी वाले ने वेख ली ओए ओ भजो मामे आ जाने ने सड़क दे उत्ते एक मिनट रोड पार करने नाजरीन ऐ 73 ऐ केड़ा 65 वाला रोड है जी केड़ा 60 वाला रोड है ए 61 वाला रोड है मेरे भाई इथे अगर कोई तुहानू बंदा वेख लैंदा है रोड है इटली का सो ये बन है इटली का रोड है। वो पुल आप देख रहे हैं वो बॉर्डर पुल है और यहां पे सीधी सड़क पे हमने जाना तो उधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी आ रही है। ओए भजो पचो पैं चुप पुला पचो पैं चो रोड ना खलोवो पजो छेती करो पजो
नजरीन है भट्ट साहब ने अपने तो कह रहे हैं आप साहब दूसरे राह तो जाना है। मैं ना कि मैं राह वेख लिया सारी लोकेशन वेख ली है तो टेंशन लै मेरे पिछे पिछे आ जा बस तो भट्ट साहब तुम बस आ जाओ खैर होनी चाहिए है इंजी नाजरीन सड़कों तो फ्री दा तो यकीन करो गड्डिया वाले वेख के तो इंज लुक जाइना ना सड़क के उत्ते दिने कभी सफर नहीं करीदा जो आते पे होइए ना दिन को सफर नहीं किया कभी भी शाम टाइम रात टाइम इन सड़कों के ऊपर चलते थे और लंबी लाइनें भी होती थी यहाँ से। नाजरीन डेंकी में पहाड़ियों में चढ़नी पड़ती है इसमें यह बस निकल गया है बारिश फुल है और भीगने का मजा ले रहे हैं वो नीचे से ऊपर तक। ओह नाजरीन यह अब निकल गई है लें जी और फाइनल तकरीबन 2-3 घंटे की जलालत के बाद जो है वो हम घर पहुंच ही गए हैं। ये गाँव आ गया हमारा और अभी यूरोप के। हाँ जी फैज साहब। हाँ जी रांझा की सूरत हाल है। हाँ जी पहुंच गए हैं। चास आ गई है। बारिश भी थी। अच्छा तो जंगल भी बहुत था गहरा जंगल। अच्छा सारा जंगल का टैंकी की तरह सारा जंगल में मांगल था। मांगल था। हाँ जी भाई तुम आज का सफर एंजॉय किया फिर एंजॉय किया तो क्या आपको आज का सबक मिला है? आज का ये सबक मिला कि मैं हाफिज के साथ कभी बाहर नहीं गया। क्यों हाफिज ने आपको क्या कह दिया? हाफिज ने मेरी बुंड पार दी। भट्ट साहब इसे कहते हैं कि आज तो पहले मियां साहब ने फरमाया राय छड़ कुराए ना पईए भावे पिंडा होवे दूर। इसे कहते हैं कि राह से कुरा जाने का नतीजा और आज हम राह से कुरा पड़ गए थे जिसकी वजह से जो है ना तो जिसकी वजह से जो है ना वो हम आज परेशान हुए और चढ़ाई यकीन करें इतनी चढ़ी है कि दोस्त मेरे जो इनकी हालत देख लें और ऊपर से बारिश हो रही थी। बट जी सच्ची गल करनी है दोबारा पर डेंकी की याद ताज़ा हुई है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਕੀ ਲਾਈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਟ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੱਢ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਵੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਫਤ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਕੀ ਚ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। अच्छा बस आप जी तुम की दसी वो दिन और आज का दिन याद आ गया। फोली बारे से फोली बारे से तो गड्डी फिर आई लगी होनी है कि नहीं ऐ नीली? आप जी गड्डी लगी सी ते ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁੰਜ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਡੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਟਸਐਪ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ यूरोप है यूरोप की बारिश है तो ਵੱਟ ਸਾਹਿਬ आंदे ने यूरोप त्रो चीजा का कदी इतबार ना करो वो कि गल जनानी। अच्छा जनानी वो चीज है के छड़ गला नहीं गला ते दूसरी दूसरी बारिश मौसम है वेदर ते तीसरी तीसरी बच्चे बारी यूरोप का कम यूरोप का कम हाफज जी इंदा तबार कोई नहीं किसी वक्त भी तुम लभ सकदा लभ सकदा ते किसी वक्त भी खड़ी सकदा। हां जी जी नाजरीन नाजरीन दुनिया हमें देख रही है। अच्छा लोग बारिश में एंजॉय कर रहे वीडियो बना रहे और जैसे पता नहीं है कि हाफज जी का कितना आफत। हां जी कुत्ता देख किंदा ही पता नाजरीन साढ़े 4 बजे कुत्ते बतेरे ही भौंकदे ने आफत कुत्ता देख किंदा ही तस्वीर लगी सी। आपका शुक्रिया यार कसम पानी पानी हो गया पसीना अखां चो जांदा पिया विच ते अखां चो पानी रोण वाला हो गया सिस्टम निजाम। बारिश में भीगने का भी अपना ही मजा है बट जी
बारिश और एक बच्ची और उसको मैं ऐसे